गुरु पंथ गुरु ग्रंथ नाल निवासी साध संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जस पंजाबी के सारे दर्शकों का स्वागत। होला महला दिन दूजा धरती आनंदपुर साहब तख्त श्री केसगढ़ साहब। आओ तो फिर अज होला महला दिन दूजे की शुरुआत करते हैं। पहला गुरु का ओट आसरा लईए, आओ गुरु नूं नतमस्तक होने। और सब तो महत्वपूर्ण गल, यो धरती जिथे 1699 गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ और गुरु पंथ के नाल नाल खालसा साजिया। खालसा साजिया तो फिर शस्त्र विद्या की गल चली, शस्त्र विद्या की गल चली तो फिर खालसे दे लई होले अते महल्ले का जिक्र आया। होले अते महल्ले का जिक्र आया तो फिर होले महल्ले वाले दिन जेकर शस्त्रां दे दर्शन ना किए जाण तो फिर गुरु नूं उस तरीके नाल सजदा नहीं हो सकता। तो आओ फिर होला महला दिन दूजा अज की शुरुआत। पहला गुरु अगे नतमस्तक होंने, उस तो बाद तुहानू दर्शन करवाने गुरु पातशाह दे उन्हां इतिहासक शस्त्रां दे। आओ चलदे आं जी। तख्त श्री केसगढ़ साहिब तो खालसे दे न्यारे और खालसे दे प्यारे होण दी ओ गाथा जिहड़ी साडे सिंह साहिब तुहाडे अगे सुना रहे ने, आओ सरवण करदे हां। खालसे लई ओह पवित्र धरती जिथे खालसे दा जन्म होया, संगतां नतमस्तक हो रही ने। खालसे दा कौमी त्यौहार, खालसे दा कौमी दिहाड़ा होला महला तख्त श्री केसगढ़ साहिब। होली कीनी संत सेव, रंग लागा पत लाल देव। जिथे किते भी वसदे ने, भावे पिंड ने भावे प्रदेशां दे विच ने, सारे ही गुरुद्वारा साहब जांदे ने। रहाउ दीआं पंक्तियां विच सतगुरु महाराज वचन करदे ने, साधु संग भजो गोपाल, आन संजम किछ ना सूझै, ते जतन काट कल काल। जे मैं इउं आखां, इह अज दा संदेश है सानू सभना दा। जिहड़े तुसीं बैठे होए हो, जुड़े होए हो, जिहड़े दर्शन करन वास्ते आ रहे हो ते एकाग्र चित सरवण करदे पए हो, या जिहड़े नमस्कार करके जा रहे हो, सारे ध्यान रखियो। जे असां ने घरां विच जाणा है, घर विच पहुंचिया होया, सानू घरदिआं ने पुछना है की लै के आए हो साडे वास्ते। बिना शक इत्थों कोई कंघे खरीद के लै जाएगा, वधिया वधिया कोई होर चीज़ां वस्तुआं खरीद के लै जाएगा, लेकिन आ जिहड़ी अमोलक वस्तु है कि अज दे दिन सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू फरमान की कीता है, इस फरमान नूं इस वचन नूं चेते रख के जाना चाहीदा है, और ये जाके अपने परिवार के अपने बच्चों की झोली में पाना चाहीदा जरूर बर जरूर। सतगुरां ने आखिया साधु संग भजो गोपाल। प्यारियो गोपाल नूं भजो, गोपाल नाम है जो सारियां की पालना करन वाला है, सारे जीवों की सारी सृष्टि की पालना करन वाला है। उस नूं भजो, भजो तो भाव है उसका भजन करो, उसनूं चेते करो, उसनूं याद करो, उसके गुणों का इन्हां गुणों का ध्यान करो। और विशेष तौर पर ध्यान दिवाया पातशाह ने गोपाल, और जिवें मैं बेनती की है गोपाल शब्द का अर्थ है पालन वाला। ये सब तो पहली बात है, हर सिख के हिरदे अंदर ये गल टिक जाए कि परमेश्वर जो है, करतार जो है, वो ही साढ़े सबरों की पालना करने वाला है। असी समझते हैं भली प्रकार कि पिछले 2 साल किन्ने संकट में लंघे ने, जो लगातार मोर्चा लगा रहा, साडे किसान भाई लगातार जाके दुखां ते सुखां दा, गर्मी ते सर्दी का सामना करते रहे। भाव की सी, मकसद की सी कि साडा जिहड़ा खाण पीन है ये अडोल होना चाहिए,
लगातार चलता रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। जद्दोजहद करनी मनुखा का इतिहास है, मनुखी इतिहास है। लेकिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू फिर भी चेते करवाया है कि उहदे ना दादे देहंत आदमी ना सपत जेर जिमी अस एक दिगर कोई एक तुई एक तुई ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस बसे देहंत सुई एक तुई एक तुई। सतगुरु महाराज गुरु नानक साहब जी ने वचन दिता ना रिजक दस्त आकसे साडा रिजक साडी रोटी किसी बंदे दे हाथ विच नहीं है हमारा एक आस बसे असीं सारे को हाँ उस एक करतार की आस से हाँ वाहिगुरु जी ने जो सानू सबरां नूं देण वाले ने भाई साहब होरां ने आसा जी वार सरवण करवाउंदियां होईआं सानू आपां नूं पुत्तां पुत्तां कीतां तत्तां मेघां कीतां मुखां रवां मगलां ਹਾਂਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੋ ਹਿੱਤ ਜਾਣ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਦੰਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੰਤੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਵੇ ਸਭਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਅੱਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰ ਕੇ ਜਦ ਸਤਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਆਹੇ ਮਨ ਕਮ ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪੜਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੀ ਪਾਏ ਕੰਕਾ ਰਿਜਕ ਆਪੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਕਮੇ ਉਦਮ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਇਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਦਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਉਪਾਏ ਠਾਕੁਰ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਵੇਖਣੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਔਰ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦੋ ਧਾਰਾ ਫੌਲਾਦੀ ਖੰਡਾ, ਜਿਸ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਖੰਡਾ ਜਿਸ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣੇ ਸਨ।
भाई साहब जी दे खब्बे हाथ वाला शस्त्र जिसका नाम है कटार सतपुरां दे कमर कसे दा शस्त्र है जंग विच नेड़ियों वरत्या जांदा है बहुत तेज तिखा मार करन वाला शस्त्र नाम है कटार ये दोनों ही पावन पवित्र शस्त्र तख्त साहब ते शोभनीक हन बोले सो संगत जी इस शस्त्र का नाम है नागनी वर्षा सतगुरां दे खजाने का यह शस्त्र है नागनी वर्षा जो पहाड़ियां ने आनंदपुर साहब नूं घेरा पाया अपनी गवाह ना जांदी वेख के पहाड़ियां ने एक स्कीम बनाई कि हाथी नूं शराब पिया के मत्थे ते फलादी तवियां बीड़ के सुंड नाल लगियां कृपाना बन के किला लोहगढ़ का दरवाजा तोड़न वास्ते भेजा जाए। संगत जी किला लोहगढ़ साहब वो स्थान है जिथे सतगुरु जी हथियार तैयार करवाया करते सन अते जमा करके रखिया करते सन। पहाड़ियां दी स्कीम दा सतगुरां नूं गुरसिखां नूं पता लगा। सिंघां ने बेनती की महाराज पहाड़ियां ने बड़ी माड़ी जुरत की है कि हाथी नूं शराब पिया के किले का दरवाजा तोड़न वास्ते भेजण दा उन्होंने एक मता पास किया। उन्हां दी स्कीम सी कि हाथी जाके दरवाजे नूं टक्कर मारेगा दरवाजा टुट जाएगा ऐसी अंदर जाके फौज समेत किले उत्ते कब्जा कर लवांगे सतगुरां नूं फड़ सकांगे या शहीद कर सकांगे। कलगीधर पातशाह ने अपने प्यारे सिख भाई बचित्र सिंह साहब नूं थापड़ा दिता अपने खजाने का यह नागनी वर्षा शस्त्र भाई साहब जी के हाथ में सौंप के तोरिया। भाई साहब घोड़े ते सवार हो के मैदाने जंग विच हाथी के सामने आए हाथी की सुंड नाल बन्नियां होईयां कृपाना तो बचदिया होया घोड़े दीआं रकाबां च खड़े हो के इस नागनी वर्षे का बड़ा जबरदस्त वार हाथी के मत्थे ते करदे रहे और यह नागनी वर्षा हाथी के मत्थे ते बीड़ियां हुई फुलादी तमियां नूं चीर के हाथी के मत्थे च खुब जांदा है। बड़ी फुरती नाल इहनूं घुमा के भाई साहब जी बाहर कढ़दे ने हाथी के मत्थे चों खून दीआं फुहारां छुटदीआं हाथी चीकां मारदा चिंगाड़दा होया अपने ही साथियों नूं कटदा वड़दा लताड़दा होया वापस मुड़ जांदा है ते भाई साहब जी फतेह पा के पातशाह के चरणों में हाजिर हुंदे ने। भाई साहब की बहादरी की निशानी नागनी वर्षा तख्त साहब ते शोभा पाउंदा है। बोले सो निहाल संगत जी इस शस्त्र का नाम है कृपा वर्षा हाथ वर्गा चौड़ा होण करके इनू कृपा वर्षा भी कहा जाता है। ये इतिहास दीआं दो साखियां प्रसिद्ध ने जदों दशमेश पिता जी का आनंद कारज माता जीतो जी के नाल गुरु के लाहौर विखे होना सी संगत ने बेनती की महाराज इत्थे पीण वाले पानी की बड़ी भारी किल्लत है क्योंकि संगत बहुत वड्डी गिणती विच पहुँच रही है आप जी कृपा करो पीण वाले पानी का प्रबंध किया जाए। सतगुरां ने यह कृपा वर्षा अपने हाथ विच लै के धरती विच तीन वख वख थावां ते मार के फुटिया ते तिन्ना ही थावां तों निर्मल जल दीआं शीतल जल दीआं तीन वख वख धारां वह तुरीआं जो अज भी गुरु कृपा नाल उस तरह निरंतर वह रही है ते जुगां जुगांतरां तक वगदियां रहणगियां। संगतां ने उस शीतल जल नूं छकिया शांति प्राप्त की सतगुरां ने नाम रख दिता तरबैणी साहब। यह गुरद्वारा आनंद कारज साहिब के बिल्कुल सामने सुभायमान है गुरद्वारा तरबैणी साहब। दूजी साखी इस वर्षे नाल इह प्रसिद्ध है कि जदों पहाड़ी अपनी स्कीम विच कामयाब ना होए पहाड़ियां ने फिर एक मीटिंग की उस मीटिंग विच राजा केसरी चंद कहिंदा कि इस वार फौज की अगवाई मैं करांगा मैं कलगीधर पातशाह नूं शहीद करके जां उन्हां नूं जिउंदे फड़ के लियावांगा। सिंघां नूं पता लगा सतगुरां नूं पता लगा सिंघां ने फिर बेनती की महाराज उस दुष्ट राजे ने तुहाडा सीस धड़ तों अलग करन दी गल कीती है साडे ते कृपा करो उस दुष्ट दा सिर लाह के तुहाडे चरणां च भेट करिए। सतगुरां ने भाई बचित्र सिंह साहिब जी दे भराता भाई उदय सिंह साहिब नूं थापड़ा दिता इह वर्षा हाथ विच दे के तोरिया। भाई साहिब जी मैदाने जंग विच आए राजे दे नाल भेंट हुंदी है उहदे वारां तों बचदिआं होइआं अपनी श्री साहिब दा बड़ा भरपूर वार उहदी गर्दन ते करदे ने उहदा सिर धड़ तों वढिआ जांदा है। भाई साहिब इस वर्षे दी नोक उपर परो के राजे दा सिर ते पछाह नूं मुड़दे ने। भाई साहिब उपर पिछों तीर मारे जांदे गोलियां चलाईआं जांदियां पर कोई भी तीर जां गोली भाई साहिब नूं नहीं लगदा। दो गोलियां इस वर्षे ते लगदियां ने एक गोली दा निशान वर्षे दी मुखी उपर आप जी वेख सकदे हो एक गोली दा निशान इस वर्षे के मुठे उत्ते आप जी वेख सकते हो। भाई साहब जी की बहादरी की यह पावन पुत्र निशानी कृपा वर्षा तख्त साहब से शोभा पाउंदा है। बोले सो निहाल
संगत जी, ये पावन शास्त्र सतगुरां दे दस्ते मुबारक दा शास्त्र है, नाम है बंदूक। ये किसे गुरु के प्यारे सिख ने तैयार करके सतगुरां नूं भेट कीती। इहदी बैरल दे उपर उर्दू अखरां विच लिखिया होया है कारखाना लाहौर, सतगुरां दे दस्ते मुबारक दी ये निशानी बंदूक तख्त साहिब ते सुभायमान है। बोले सो संगत जी, इस शास्त्र का नाम है सैफ, दूसरा इसका नाम है जुल्फकार। 1500 साल तो ज्यादा पुराना यह शास्त्र है, इस्लाम धर्म का यह पैगंबरी शास्त्र है हजरत मुहम्मद साहिब हजरत अली। इस शास्त्र को अपने हाथों में रखा करते सन। ये पिछे बहुत लंबी एक दास्तान है कि इस एक पंथ को किवें आया। औरंगजेब बादशाह ने तहैया किया कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को रहने नहीं देना। बहुत सारे उन्हें मुसलमान भी बनाए, इस्लाम में वाधा होया। मक्के की जियारत करने वास्ते औरंगजेब बादशाह जाता है, उतों के खलीफे ये सैफ उन्हें भेट करते। ये सैफ मक्के के खलीफे उन्हें भेट करते हैं। ये सैफ में लिया के अपने तोशेखाने रख देता है। उसकी मौत तो बाद उसके दो पुत्र नितारा आजम ते शहजादा मुअज्जम दोवां दे विच तख्त हासिल करने वास्ते जंग शुरू होंदी है। शहजादा मुअज्जम भाई आनंद लाल साहब दे राहीं सतगुरां नूं बेनती करता, महाराज जेकर आप जी कृपा करके मेरी सहायता करो तो मैं हिंदुस्तान का तख्त हासिल कर सकता हाँ, मेरा हक है। सतगुरां ने उसकी सहायता की, जंग जीत गया। अपने ताजपोशी समागम विच बड़े अदब नाल सतगुरां नूं बेनती करके बुलाउंदा है। सतगुरु की बेनती प्रवान करके आगरे के किले विच जांदे ने, उच्ची थां ते बिठा के बहुत सन्मान दिंदा है। समागम तो बाद जिथे सतगुरां नूं होर कीमती वस्तुआं भेट करदा है, उत्थे इह सैफ कलकीधर पातशाह नूं इह कह के भेट करदा कि महाराज इह साडे इस्लाम धर्म का पैगंबरी शास्त्र है, साडे पैगंबर इहनूं अपने हत्थां विच रखिया करदे सन। सतगुरु इस वेले संसार विच तुहाडे तो वड्डा होर कोई पैगंबर नहीं। जेकर यह साडा पैगंबरी शास्त्र शोभा पाउंदा तो यह तुहाडे हाथ विच ही पाउंदा है, कबूल फरमाओ। सतगुरां ने उहदी दित्ती होई भेट नूं कबूल किया। उदों तो लैके यह सैफ खालसा पंथ कोल है। इहदे उपर कुरान दीआं कुछ आयतां सुनहरी अक्खरां विच लिखियां होईआं और चंद तारे दा निशान इस सैफ के उपर मौजूद है। इस्लाम धर्म का पैगंबरी शास्त्र यह सैफ तख्त साहिब ते सुभायमान है। बोले सो संगत जी, ये दोनों ही शास्त्र दशमेश पिता जी दे कमर कसे दे शास्त्र ने। सज्जे हाथ वाला शास्त्र है शमशीर तेग। दुश्मन जंग विच अपने शरीर उत्ते लोहे दीआं तारां दा बणिया होया कोट पा के रखते। सतगुरु जी इहदे नाल दुश्मन के उत्ते वार करते, लोहे दीआं तारां नूं कट के दुश्मन के अंदर धस के ते उहनूं सदा की नींद सवां दिया करदा सी। नाम है शमशीर तेग। भाई साहब के खब्बे हाथ वाले शास्त्र का नाम है दाहे अहनी। दुश्मन अपने सिर के उत्ते जंग विच लोहे का टोप पा के रखते। सतगुरु जी इहदे नाल दुश्मन के सिर उत्ते वार करते। यह दाहे अहने लोहे के टोप नूं कट के दुश्मन के सिर अंदर धस के ते उहनूं सदा की नींद सवां दिया करदी सी। सतगुरां दे ये दोनों ही कमर कसे दे शास्त्र शमशीरे तेग ते दाहे अहनी तख्त साहिब ते सुभायमान हन। बोले सो संगत जी, भाई साहब जी दे सज्जे हाथ वाले शास्त्र का नाम है चक्कर। एक किसी गुरु के प्यारे ने तैयार करके सुनहरी चक्कर, ये उपर सतगुरां दी पावन बाणी जप जी साहब जी दी 22 पौड़ियां उकर के दशमेश पिता जी नूं भेट कीता। नाम है चक्कर। भाई साहब के खब्बे हाथ वाले शास्त्र का नाम है ढाल। 325 साल तो ज़्यादा यह पुरानी है, गेंडे की खल की बनी हुई है। उस वक्त तक कोई भी हथियार इहदे उपर कट नहीं सी कर सकता, अज भी बड़ी वधिया हालत विच यह ढाल है। ये दोनों ही शास्त्र तख्त साहब के सुभायमान हन। बोले सो संगत जी, ये दोनों ही शास्त्र दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज के शास्त्र ने। सज्जे हाथ वाला शास्त्र है बरशा, खब्बे हाथ वाली है बरशी। सज्जे हाथ वाला शास्त्र हाथी उत्ते सवार होकर जंग विच वरत्या जाता है, खब्बे हाथ वाला शास्त्र घोड़े उत्ते सवार होकर जंग विच वरत्या जाता है। जां दोनों चला के भी दुश्मन नूं पार बुलाया जा सकता है। ये दोनों ही शास्त्र बरशा अते बरशी तख्त साहिब ते शोभा पाउंदे हन। बोले सो
मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, बदलते जमाने की रफ्तार कौन रोकेगा। फसीलो वात शो हम बहुत बुलंद से ही याद की ललकार कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों के प्रवास को रोकने वालों हर गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। संगत जी पावन पवित्र शास्त्र नाम है तेगा, ये मेरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का शास्त्र है। सतपुरा ने श्री अकाल तख्त साहब की रचना की, तख्त से सुभायमान हो के मीरी और पीरी दी दो कृपाना धारण कीतियां, समुचे सिखां नूं शस्त्रधारी होण दे हुक्मनामे जारी कीते। शस्त्र सतपुरा दी इह पावन पुत्र निशानी तेगा तख्त साहब ते शोभा पाउंदा है। बोले सो निहाल